हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे बीडब्ल्यू के लेक्चर्स में हमने एसी सर्किट स्टार्ट कर दिया जहाँ पे हमने दो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिया आज जो तीसरा टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है फेज एंगल एंड फेजर आई होप आपको ये टॉपिक काफी रिलेवेंट सा लग रहा है या फिर काफी न्यू भी लग रहा होगा बट इट्स ओके हम यहाँ पे उसको कवर अप करने वाले अब दोस्तों फेज एंगल एंड फेजर जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि जो करंट और वोल्टेज का जो वैल्यूज हमें मिलता है किसी भी डिवाइस से वो हमेशा आर एम एस वैल्यू रहता है तब हम क्या करते हैं दोस्तों उसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं राइट एक्स पर हम क्या लेते हैं हमारा थीटा थीटा बोलो या फिर ओमेगा बोल लो एंड एक्सिस पर हमारा क्या रहता है वोल्टेज रहेगा या करंट रहेगा जो भी उसकी डिजायर्ड वैल्यू रहेगी ठीक है वोल्टेज ले लो या करंट ले लो ये अपॉन मत समझना स्लैश है वो दोस्तों ठीक है अब अगर कोई भी वेव हम बनाते हैं तो मोस्टली हम उसको कहां से शुरू करते हैं जीरो से शुरू करते राइट जीरो से शुरू करके से पॉजिटिव वेव और ये नेगेटिव वेव तो ये पॉजिटिव वैल्यूज है सारी की सारी और ये क्या है नेगेटिव वैल्यूज है सारी की सारी की की राइट एंड ये वैल्यूज वैल्यूज मिलने वजह से इधर एक दो पीक बनती यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वी पीक वैल्यू है यहाँ भी ये पी वी पीक वैल्यू है एंड ये नेगेटिव है एंड पीक वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों इवन वी कॉल इट एज मैक्सिमम वैल्यू और हम उसको क्या बुलाते हैं दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू भी उसको हम बुला सकते हैं राइट अब यहाँ पे शुरू कहा से हो रहा है दोस्तों जीरो जीरो से से तो ये यानी कि ओरिजिन और इसको हम ओ नाम दे देते हैं एंड इसको हम क्या बोलते हैं हमारा रेफरेंस पॉइंट आई होप आपको ये क्लियर होता जा रहा हो ओमेगा तो यहाँ कांस्टेंट रहता है यहाँ पे जो इसकी स्पीड होती है जो जिस स्पीड से हमारा करंट शुरू होता है फ्लो करना किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी कंपोनेंट के अंदर वो जो स्पीड होती है वो कॉन्सेंट रहता है चेंज क्या होता है टाइम कि कितने टाइम में वो कहां तक पहुंचा राइट right? अभी यहाँ पे ये इतने टाइम पे इसने इतना वोल्टेज दिया टाइम पे इसने इतना वोल्टेज दिया फिर वो नीचे आ गया फिर वो डिक्रीज हुआ फिर नेगेटिव वोल्टेज बढ़ गया एंड ये इस तरह डिक्रीज इंक्रीज होता रहता है जिससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी है उस इंस्टेंट पर वो कितनी है तो यहां पे हम सबसे पहले दो केस कंसिडर करते हैं सबसे पहला केस क्या हमेशा हमारा ये ग्राफ जीरो से ही शुरू होगा है ना सोचने वाली बात है ये नहीं सोचने वाली बात है क्या हमेशा हमारा ग्राफ ये जीरो से ही शुरू होगा क्या क्या ये आगे से नहीं शुरू हो सकता है? क्या ये पीछे से नहीं शुरू हो सकता है लेट एस चेक आउट दैट तो हमने पिछले लेक्चर्स में दोस्तों जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तो हमने एक चीज नोटिस की कि जब यहाँ पे टी रहता है तो यहाँ पे वैल्यूज दी रहती है जैसे जीरो टू फोर सिक्स एट

आई इक्वल टू आई एम साइन थी आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा बट इनकेस अगर मेरा ये फेजर ये जो ग्राफ है वो किसी फेजर के साथ किसी फेज के साथ शुरू होता है तो मैं वो फेज कहाँ एड करती हूँ तो वो दोस्तों फेज एड किया जाता है ये थीटा के साथ ये थीटा के साथ हमें हमारा फेज एड करना पड़ता है एंड फेज इज रेप्रेजेंटेड बाय फेज एंगल इज रेप्रेजेंटेड बाय फाइव किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों वो फाइव के साथ तो यहाँ पे ये प्लस माइनस फाइव हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इन केस यहां पे कोई एंगल के साथ ये जीरो से नहीं शुरू होता है किसी एंगल से आगे जाके या फिर किसी एंगल से पीछे आके अगर हमारा ये ग्राफ शुरू होता है तो वहां पे एक इंक्लूजन आता है दैट इज नोन एज फेज एंगल ठीक है सो दिस वॉज द होल कंसेप्ट अब हम इसको थोड़ा डीप में देखेंगे एक एक एग्जाम्पल कंसिडर करके ठीक है दोस्तों तो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों तब हम समझेंगे कि हमें कोई भी ग्राफ का अगर क्वेश्चन आता है फेज एंगल से रिलेटेड तो उसको रिप्रेजेंटेशन किस तरह करना है वो किस तरह प्रोसीड होता है सारी चीजें यहाँ पे हमें कंसिडर करनी होगी तो चलो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं यहाँ पे ठीक है सो तो केस मान लेते हैं सबसे पहले यहां पे एक ग्राफ बना बनाते हैं हम सबसे पहले साइनोसोइडल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ग्राफ ऑफ ऑल्टरनेटिंग साइनोसोइडल वोल्टेज ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर बट हम यहाँ पे एक्स नहीं लिखते हम यहाँ क्या लिखेंगे थीटा एंड ये मेरा वाई एक्सिस ठीक है वाई एक्सिस पे हमें क्या दिखाना रहता है दोस्तों हमारा वोल्टेज क्योंकि ये वोल्टेज का ग्राफ है तो हम वोल्टेज दिखा देंगे थीटा यानी कि हमारा ओमेगा टी एक ही चीज है बट यहाँ पे हमारा ग्राफ कहाँ से शुरू होगा दोस्तों लेट अस हैव लुक ऑन दैट यहाँ पे हमारा ग्राफ शुरू होगा कुछ यहाँ से कंसिडर करते हैं हमारा ग्राफ ठीक है तो ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है ये थोड़े से इट्स जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा गैप है यहाँ पे एंड ये यहाँ से शुरू हो रहा है ठीक है तो ये मान लेते कि ये जो गैप है ये पाई बाय बायर तक है ये गैप कहाँ तक है दोस्तों पाई बाय फोर तक है देन आपका ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा ये अगर जीरो का ग्राफ रहता अगर ये जीरो से शुरू होता ये जब जीरो से शुरू होता तो जीरो से लेकर पाई तक रहता है फिर ये टू पाई तक जाता है राइट

तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फाइव एंगल डालते थे और अब हमारा फाइव कितना है दोस्तों यहाँ पे पाई बाय फोर तो हमारा वी कितना हो जाएगा वी एम साइन प्लस माइनस फाइव बाय फोर अब प्लस माइनस कैसे लगाना है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें जानना होगा इट्स वेरी सिंपल यहाँ पे एक्चुअली कैसे रहता है ये माइनस के फॉर्म में रहता है बट यहाँ पे हमारा जो फाइव बाय फोर है वो कहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है वो कहा है दोस्तों पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो इसके लिए क्या हो जाएगा वी एम साइन ऑलरेडी ये थीटा रहता है और ये माइनस रहता है और ये प्लस पाई बाय फोर हो जाएगा ठीक है तो ये आंसर क्या देगा दोस्तों वीएम साइन थी अब थीटा लिखो या ओमेगा टी लिखो एवरी बोथ इज फाइन लाइक देर इज नो डाउट इन दैट दोनों चल जाएगा देन यहाँ पे थीटा माइनस पाई बाय फोर आपकी स्क्रीन के सामने हमने लिख दिया है पाई बाय फोर इज नथिंग बट हमारा फोर्टी फाइव रहता है राइट वी एम साइन

अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव वाई एक्सिस से लेकर फिर एक्स की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव रखना ठीक है एंड नेक्स्ट में ये देखना पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव की तरह तो उसको पॉजिटिव रखना सिंपल एंड कभी भी याद रखना दोस्तों अगर ये ओरिजिन के बाद शुरू हो रहा है तो ये लैग कर रहा है ये सर्किट कैसा है दोस्तों इट इज लैगिंग बिहाइंड द रेफरेंस पॉइंट द वोल्टेज इज लैगिंग ठीक है दोस्तों तो इसको बोलते लैगिंग सर्किट यहाँ पे वोल्टेज क्या कर रहा है हमारा दोस्तों लैग के बाद हमें एक डायग्राम बना जिसको हम बोलते हैं फेजर फेजर का डायग्राम कैसे बनाते बहुत सिंपल है देखो यहाँ पे आपको दो एक्सेस कंसिडर करना है फर्स्ट वन इज एक्स एक्सेस सेकेंड वन इज वाई एक्सेस ठीक है ये दोनों एक्सेस कंसिडर करने के बाद आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है एक्सेस का नाम अभी जो मेरा वोल्टेज है ये ये ग्राफ किसका है है वोल्टेज का है। लेकिन ये कैसा ग्राफ है? ग्राफ है है लैगिंग लैगिंग होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ का जो ग्राफ रहेगा ना उसे नीचे लाइन आपको एक्स एक्सिस के नीचे लाइन बनाना पड़ेगा अभी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वोल्टेज एंड ये एंगल कितना है हमारा फोर्टी डिग्री जब लैगिंग सर्किट रहेगा तो आपका जो वोल्टेज का लाइन है वो नीचे की तरफ आएगा जब ये सेकेंड एग्जाम्पल में जब आप देखोगे ये लीडिंग सर्किट रहेगा तब आपका ये जो वोल्टेज का लाइन है ये ऊपर की तरफ आएगा आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों अब ये जो V का वैल्यू है वो किस तरह मिलेगा V का वैल्यू इज वेरी सिंपल ये वाला V का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको Vm को डिवाइड बाय रूट टू करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा VM को डिवाइड बाई रूट टू वी का वैल्यू मिल जाएगा एंड जितना आंसर आता है उतना ही स्केल से लेंथ लेके आपको ये लाइन बनानी पड़ेगी जितना आंसर आता है उतना ही स्केल से लेंथ लेके आपको ये लाइन बनानी पड़ेगी दोस्तों क्योंकि ये आपका ओरिजिनल फेजर डायग्राम है कौन सा डायग्राम है ये फेजर डायग्राम ठीक है तो इसमें आपने क्या क्या सीखा दोस्तों चलो एक बार इसको रिवाइज कर ले सबसे तो पहले हमने इसमें ग्राफ बनाया ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये जीरो से शुरू नहीं होके पाई बाय फोर से शुरू हो रहा है तो यानी कि ये किससे शुरू हो रहा है नेगेटिव एक्सिस से फिर ऊपर की तरफ आ रहा है इसके लिए इसको मैंने बोला लैगिंग सर्किट अब इसको रिप्रेजेंटेशन करना है तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ होता है ओरिजिनली ये माइनस की तरफ होता है बट यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं ये नेगेटिव आंसर आ जाए तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका जो V का वैल्यू रहेगा दैट विल बी इक्वल टू वी एम साइन थीटा। अगर ये लैगिंग है लैगिंग मतलब ओरिजिन के बाद शुरू हो रहा है तो नेगेटिव और कौन से एंगल पे शुरू हो रहा है पाई बाई फोर तो ये पाई बाई फोर हो जाएगा ठीक है बस आपको ये चीज याद रखनी है यहाँ पर कि किधर से शुरू हो रहा है कहाँ से शुरू हो रहा है ठीक है लेट अस प्रोसीड टू अनादर केस हमारा जो दूसरा केस है एंड ये नेगेटिव एक्सेस है तो ये हमें कैसा लेना है क्लॉक की तरफ लेना है अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो एक्सेस के ऊपर चला जाता ठीक है सेकेंड केस देखते हैं फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स क्या यहां पे इसने क्या रिप्रेजेंट किया ऑल्टरनेटिंग साइनोसोडल वोल्टेज वहां पर हम ले लेते हैं ऑल्टरनेटिंग यहां पर हम ले लेंगे दोस्तों ऑल्टरनेटिंग साइनोसोडियल करंट राइट ओके सो ना यहां पे जो ग्राफ स्टार्ट करने वाले दोस्तों वो हम देखो किस तरह स्टार्ट करेंगे या आपका एक्स एक्सिस जो थीटा रिप्रेजेंट करता है या फिर ओमेगा टी बोल लो उसको कि आपका आपका जो यहाँ पे करंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है बट आपका जो ग्राफ है वो आपका ग्राफ ऐसे शुरू हो रहा है सिमेट्रिकल ग्राफ ही है बट शुरू कहां से हो रहा है ये ओरिजिन के पहले कहीं यहां से शुरू हो रहा है ओरिजिन के थोड़ा पहले से शुरू हो रहा है आपका ओरिजिन यहां है आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ है ये यह हो रहा उसका पीक वैल्यू आई एम पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ठीक है एंड दिस इज योर साइकिल ठीक है तो ये, ये एक साइकिल कितने का हो रहा है ये यहां से लेकर अगर मैं यहां तक तो ये मेरा एक साइकिल इतना हो रहा है तो मान लेते हैं ये जीरो है ये यहाँ पे समवॉट पाई बाय सिक्स पर है सिक्सटी डिग्री से शुरू हो रहा है ठीक है तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों पाए माइनस हम लोगों वो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा पाए माइनस क्योंकि आगे जाके वो पाई पे खत्म होता है ना तो यहां पे आ जाएगा ये पाए माइनस फाइव बाई सिक्स ये हो जाएगा टू पाए माइनस फाइव बाय सिक्स एंड सो so ऑन अब आपको आई होप ये ग्राफ समझ में आ गया हो कि इसको कैसे लिखा अब इसका फॉर्म लिखते हैं जैसे हम लोग वोल्टेज लिखते हैं आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा प्लस माइनस फाइव अब मुझे बताओ दोस्तों ये फाइव प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा सिंस ये ओरिजिन से पहले शुरू हो रहा है तो इसको हम लोग ले, ले लेंगे प्लस ठीक है आई एम साइन थी प्लस एंगल कितना है दोस्तों पाई पाई बाय बाय और उसमें ऐड हो गया ना ये एक्स्ट्रा हो गया पाई बाय सिक्स इसके लिए हमने उसको क्या किया है उसको उधर प्लस में कंसिडर किया क्यों क्योंकि आपका जो फेज एंगल है दैट इज पाई पाई बाय बाय वो by 6 से शुरू हो रहा है ठीक है आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो नाउ अब इसका हमें क्या बना रहे हैं दोस्तों फेजर डायग्राम फेजर कैसे बनाएंगे हॉलिजेंटल इज योर एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज योर वाई एक्सेस अब ये कैसा सर्किट होगा लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा ऑब्वियसली ये लीडिंग सर्किट है क्योंकि ये पहले ही शुरू हो जा रहा है देरी से नहीं शुरू हो रहा है, ये है। पहले शुरू हो रहा है तो इसके लिए हम लोग हमारा जो डायग्राम रहेगा फेजर वो थोड़ा ऊपर की तरफ लेंगे एंगल को थीटा इट इज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओके एंड ये कितना है आपका फाइव बाई सिक्स नाइन की थर्टी डिग्री आई का वैल्यू किसको इक्वल रहेगा आई एम बाय टू इसको इक्वल रहेगा तो आपको यहां से क्या समझा दोस्तों कि आपका जो डायग्राम है वो लीडिंग है द करंट इज लीडिंग करंट इज लीडिंग राइट एंड ये फेजर डायग्राम आपका इस तरह रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ठीक है तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो अच्छे से कि इसको किस तरह प्रोसीड करना है दोस्तों जब आप कोई भी ग्राफ देखो और ये प्लस माइनस साइन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए ये सिर्फ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बस इसको समझ के रखो कि फेजर डायग्राम बनाना कैसे है लीडिंग लैगिंग कैसे पहचाना है तो आई होप आप लीडिंग लैगिंग कैसे पहचानना है वो समझ गए प्लस है तो लीडिंग माइनस रहेगा तो लैगिंग ऐसे एक कंसेप्ट लगा के रखो ठीक है अब हम समझते हैं इन फेज का कंसेप्ट आउट फेज का कंसेप्ट और फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है वो जानते हैं ठीक है सो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे तो यहाँ पे इन फीस ये कंसेप्ट जानने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि एक डिवाइस में दो अलग अलग, अलग वोल्टेज सप्लाई किए हैं ठीक है थीके? और दोनों वोल्टेज का मैंने रीडिंग लेना स्टार्ट किया तो फर्स्ट रीडिंग आ गया जीरो यानी कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ कुछ इस तरह ओब्वियसली तो ये थीटा रहेगा या फिर ओमेगा टी आप उसको एंड ये वोल्टेजेस की बात करते हैं तो मैंने फर्स्ट वोल्टेज का रीडिंग लिया वो भी जीरो पर आया सेकेंड वोल्टेज भी जीरो से शुरू हो रहा है देन सेकेंड वाला टू सेकेंड अगर मैं बात बाय फाइव बाई कि थर्टी डिग्री पे तो वो आया कुछ टू ले लेते या फिर और दूसरा वाला थोड़ा ज्यादा आया, यानी कि एक कुछ इस तरह आ रहा है मैं कलर चेंज कर देती हूँ कलर से रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, एक का वेव कुछ इस तरह आ रहा है एंड दूसरे वाले का वेव कुछ इस तरह आ रहा है ये सब मैं रीडिंग लेके ग्राफ प्लॉट मान लो ठीक है अभी मैंने फर्स्ट वेव बनाया है सेकेंड वेव ये वी टू हैं एंड ये जो येलो कलर का है ये हमारा वन वेव ठीक है तो यहाँ पे ये दो वेव्स बन चुके हैं दोस्तों आप जब देख सकते हो इससे एक चीज तो क्लियर है कि दोनों का जो मैक्सिमम पॉइंट पे जो दोनों वेव जा रहे हैं जो दोनों वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक ही टाइम पे आ रहा है ना एक ही टाइम पे दोनों मैक्सिमम वैल्यू अपना कवर कर लेते हैं जैसे कि हो जाएगा वी टू मीन एंड ये हो जाएगा वी वन मीन मीन मतलब मैक्स सॉरी ठीक है तो ये आपको समझ गया हो आई होप आपने रीडिंग ले ली ग्राफ बना दी एंड ये समझ गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहे तो अगर मैं V1 का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखू तो V1 वन वी एन साइन ठीटा आ जाएगा एंड V2 का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखू तो Vn एन साइन ठीटा क्या दोनों में फेज एंगल है मेरा एक ही क्वेश्चन है क्या दोनों में फेज एंगल है नहीं है ना ही ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है ना ही ये ओरिजिन के राइट साइड से शुरू हो रहा है तो यहां मैं कुछ भी प्लस माइनस एक एंगल एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं करने वाली अब मुझे ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिलने के बाद क्या बनाना रहेगा दोस्तों हमें बनाना रहेगा इसका फेजर डाइग्राम इसका क्या बनाना पड़ेगा फेजर डाइग्राम तो इसको हम ऐसे बना देते हैं यहाँ पे ये यह हमारा रेफरेंस एक्सेस ठीक है अब यहाँ पे V2 V2 का जो हाइट है V2 का जो मैक्सिमम हाइट है वो ज्यादा है Obviously, V2 का लेंथ क्या रहने वाले है, दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है ठीक है, V2 का क्या रहने वाले है दोस्तों, थोड़ा सा तो आप ओवरलैपिंग अवॉइड करने के लिए इस V2 को थोड़ा ऊपर बना दो ठीक है ओवरलैपिंग अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया V2 को थोड़ा ऊपर बना दिया है तो इससे हमें ये क्या मिल गया हमारा फेजर डायग्राम मिल चुका है दोस्तों ये सब डायग्राम से है ना इलेक्ट्रिशियंस को समझ जाता है लाइक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते तो कि कौन लीड कर है कौन कर रहा है तो यहाँ पे ना ही कोई एक दूसरे को लीड कर रहा है दोनों ही लैग भी नहीं कर रहे लीड भी नहीं कर रहे दे आर इन फेस वोल्टेज वी वन एंड वी टू आर इन फेस ठीक है अब ये तो इन फेस की बात हो गई अब जस्ट केस एक एग्जाम्पल ले लो जस्ट इन केस ये जो मेरा V1 है ये थोड़ा देरी से शुरू होता लाइट ये थोड़ा सा देरी से शुरू होता ये मेरा V1 थोड़ा देरी से शुरू होता ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है इसमें थोड़ा सा गैप आ चुका है अब ये गैप मान लेते फाइव बाय फोर तक जाने पर आया तो आउटफेस का कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों अब हम आउट के कंसेप्ट ध्यान दे रहे हैं कि जो आउटफेस का कंसेप्ट कहता है कि अगर यहाँ पे गैप आता है किस में गैप आया है इसका मतलब क्या है V1 शुरू तो हो रहा है V1 का मुझे कब मिला जब मेरा V2 टू फाइव बाय फोर क्रॉस कर चुका था उसके बाद यानी कि मेरा जो V2 है वो लीड कर रहा है मेरा वे टू आगे है एज कम्पेयर टू वीवन तो ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों ये जो वीवन का ग्राफ है वो थोड़ा सा एक एंगल पे सा टिल्ट हो जाएगा एंड वो कितने एंगल से टिल्ट होने वाला है एंगल रहने वाला है फाइव बाय फोर का तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम किसका ये आउट फेज का तो जब इन फेस रहता है तो दोनों का फेजर डायग्राम पैरेलल रहता है एक दूसरे को आउटफेज रहता है तो एक नीचे आ जाक है आ जाता है तो इसको हम रीड कैसे करेंगे तो इसको हम रीड करेंगे v2 टू लीड्स वी वन बाय पाई बाय फोर या फिर v1 वन लैक्स वी टू बाय पाई बाय फोर इस तरह आप इसको पढ़ सकते हो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको समझ जाना है कि v1 वन लैक कर रहा है वो माइनस पाई बाय फोर तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप ऐसा कंसीडर करोगे ठीक है दोस्तों एंड यहां पे ये v1 v2 की वैल्यू कैसे आती है वी एम

उसको ये कंसेप्ट तो आए आपको समझ गया है लेकिन एग्जाम कैसे करना, करना है तो यहाँ पे जान लेते सबसे पहले हम लिखते हैं अब अलजेब्रा है, अलजेब्रा है। थोड़ा सा मैथ्स आएगा तो इसमें आपको ना जो फेजर का डायग्राम रहता है उसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट तरीका इज कॉम्प्लेक्स तरीके से लाइक यू कैन यूज द कॉम्प्लेक्स वाला मेथड और यू कैन से इस रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड योर सेकेंड वे इज पोलर फॉर्म ठीक है अब कॉम्प्लेक्स में क्या होगा अपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा आई जे एक्स वाई राइट ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर तो यहां पे एक्सप्लेनेशन देते हैं तो सबसे पहले आप जान लो दोस्तों एक डायग्राम ले लेते हैं ये X है, जो करंट सीधा जो करंट फ्लो कर रहा था उसको थोड़ा सा एक एंगल पे ले लेते हैं हम लोग एंगल कंसिडर कर लेते हैं ये हमारा करंट है ठीक है अब मैं अगर यहाँ करंट के कंपोनेंट्स बनाऊ ये वर्टिकल कंपोनेंट एंड ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट को मैं एक्स बोल सकती हूँ वर्टिकल कंपोनेंट को मैं वाई बोल सकती हूँ राइट तो हम लोग नहीं पढ़ाए जब हॉरिजेंटल कंपोनेंट या फिर वर्टिकल कंपोनेंट रहता है तो उसको हम रिजोल्व किस तरह करते हैं दोस्तों दैट गोज लाइक आई इक्वल टू अंडर रूट जो भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर है और वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर लेकर सॉल्व कर लेंगे एंड थीटा कैसे मिल जाएगा हम लोग को जो भी एंगल का जो थीटा रहता है दैट गोज लाइक जो भी ये थीटा रहता है अभी यहाँ तो हमें पता है बट जब नहीं पता रहेगा थीटा बोल लो या फाइव बोल लो पर हम फेजर एंगल को फाइव से रिप्रेजेंट करें इसलिए मैं यहाँ पे फाइव लूंगी ठीक है दोस्तों तो, तो ये फाइव का वैल्यू कैसे मिल जाएगा टेन इन ऑफ वाई बाय तो इस तरह मिल जाएगा लेकिन इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है इसको दिखाएंगे कैसे हम बुक में लिख के तो ये कुछ आ जाएगा इस तरह i इक्वल टू एक्स प्लस वाई जे अब यहां पर भी ये प्लस माइनस का साइन डिपेंड करेगा कि लीडिंग सर्किट है कि लैगिंग सर्किट है तो अगर आपका सर्किट लीडिंग है तो ये पॉजिटिव रहेगा अगर आपका सर्किट लैगिंग है तो ये हो जाएगा x माइनस वाई जे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा दोस्तों x एंड सिमिलरली आप इसको प्रोसीड कर सकते हो अगर मैं पोलर फॉर्म की बात करूं तो पोलर फॉर्म इज वेरी सिंपल आपको आई को रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में राइट तो इसको एक ब्रैकेट ले लो एंगल कितना है दोस्तों फाइव बाई फोर यानी कि आपका फोर्टी तो फाइव डिग्री लीडिंग है इसके लिए ये प्लस में रहेगा एंड ये जो आपका आई का वैल्यू है ये आई का वैल्यू कैसे मिलता है आपको आपका आई का वैल्यू दैट इज आई एम बाई रूट टू राइट तो यहां पे आपको आपका आई एम का वैल्यू लिखना है आई एम का वैल्यू कैसे मिल जाएगा आपको आई इन टू रूट टू ठीक है तो इस तरह आपको आई एम का वैल्यू मिलना है तो ये पोलर फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंड कॉम्प्लेक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो आई जस्ट होप आपको ये क्लियर हो गया हो लीडिंग जब रहता है तो पॉजिटिव रहता है लैगिंग जब रहता है तो नेगेटिव रहता है तो अभी जो इतना सारा खिचड़ी हमने पकाया उसको थोड़ा सा थो 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 शॉर्ट में रिवाइज करके रख लेते हैं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो ठीक है तो दोस्तों जितने भी टॉपिक्स अब तक हमने कवर किए इंक्लूडिंग रेक्टेंगुलर पोला फॉर्म लीडिंग सर्किट स्लाइडिंग सर्किट उसका एक शॉर्ट एंड क्रिस्प चीज यहां पे मैंने रख दिया है डेफिनेशन के तौर पे नॉट डेफिनेशन एग्जैक्टली बट या की पॉइंट्स लीडिंग सर्किट लाइडिंग सर्किट व्हाट इज द सर्किट व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर लीडिंग सर्किट इज

लीडिंग सर्किट है तो फेजर डायग्राम का जो एंगल फाइव है वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा अगर वो लैगिंग सर्किट है तो फेजर डायग्राम का जो phi है वो एक्सिस के नीचे रहेगा सो दैट इज आई हैव रिटन ओवर पे आप कॉम्प्लेक्स बोल लो या फिर रेक्टेंगुलर बोल लो चल जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे x प्लस वाई जे के फॉर्म में रहता है यहां पे इसका रिप्रेजेंटेशन x माइनस वाई जे के फॉर्म में रहता है दोस्तों एंड यहाँ पे जो i का वैल्यू है वो अगर पोलर में बात करें तो यहाँ पे ये यह i एंगल फाइव आई एंगल दोस्तों एक्सप्लेन किया कि आई एम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो आई इन टू रूट टू एंड ये हमेशा आई एम अपॉन रूट टू रहने वाला है दोस्तों ठीक है तो आप पोलार में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो ये जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिख के दिया है ये सेम टू तो सेम आप, आपका V के लिए भी अप्लाई होगा जब वोल्टेज के लिए तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसमें V के बारे में ज्यादा बातें की गई है V का डिटेल में पूछा गया तो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के सामने ये रहा दोस्तों न्यूमेरिकल क्या कहता है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ टू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय दो वोल्टेज का वैल्यू दिया गया है वी वन एंड वी टू फाइन आपको बोला क्या गया कि फाइन द सम ऑफ द वोल्टेजेस एंड इट्स डिफरेंसेस सम निकालने बोला है वोल्टेज का एंड डिफरेंस निकालने बोला है तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है दोस्तों वी वन दैट इज सिक्सटी साइन थीटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा वोल्टेज का स्टैंडर्ड फॉर्म तो रहता है वी एम साइन थीटा ठीक है लेकिन जब हम फेज एंगल की बात करते हैं तो वो भी इंक्लूड करना है प्लस माइनस फाइव तो यहां पे जब मैं कंपेयर करती हूं दोनों को तो मुझे मेरा वी एम का वैल्यू मिलता है सिक्सटी एंड मेरा फाइव का वैल्यू मिलता है जीरो मिलता है Vm 2, 5, right? तो ये किस तरह आ जाएगा वीएम क्या है अपना सिक्सटी बाय टू सिक्सटी बाय टू कैलसी में फटाक से कैलकुलेट कर लेते कितना आता है दोस्तों बाई तो रूट टू आता है कुछ फोर्टी टू पॉइंट फोर टू सिक्स राइट तो ये हो जाएगा 42.426 एंड एंगल जीरो सिमिलरली जैसे मैंने फर्स्ट वोल्टेज का निकाला आप सेकेंड वोल्टेज का भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे आपका V2 कितना दिया हुआ है 40 साइन 3 कंपेयर करेंगे तो अपना Vm कितना आ जाएगा इधर 40 आ जाएगा साइन फाइव कितना आ जाएगा आपका फाइव बाई आ जाएगा किससे कंपेयर किया हमने अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी देन वीएम मिल गया तो मैं पोलर फॉर्म निकाल सकती हूँ वीएम कितना यहाँ पे फोर्टी फोर्टी डिवाइड बाई रूट टू कितना होता है दोस्तों ट्वेंटी एट पॉइंट टू एट एंड एंगल फाइव कितना है फाइव बाई थ्री फाइव बाई थ्री माने क्या होता है दोस्तों हमारा सिक्सटी डिग्री

तो आप कैलसी उठा लो आपका आपका कैलसी बहुत बेस्ट फ्रेंड बनेगा इसमें सारा आंसर दे देगा सबसे पहले आप नोटिस करो कि जो नेगेटिव वाला बटन है जहाँ पे नेगेटिव साइन है उसके ऊपर आरई सी लिखा है वो जो आरईसी है ना दोस्तों वो रेक्टेंगुलर के लिए स्टैंड होता है किसके लिए स्टैंड होता है रेक्टेंगुलर के लिए आरईसी को एक्टिवेट करने के लिए आपको पहले शिफ्ट को एक्टिवेट करना होगा तो शिफ्ट आरईसी अब आगे आपके कैलकुलेटर में आरईसी अब आपको किसका रेक्टेंगुलर फॉर्म चाहिए ये दोनों का तो ये दोनों की वैल्यू डाल दो फोर्टी टू पॉइंट फोर टू सिक्स कॉमा कॉमा कहा से आएगा दोस्तों जहां पे देखो एक्स है हमारा जहां से हम अल्फा एक्स लेते थे उसी के वहां कॉमा भी है तो शिफ्ट कॉमा और जीरो डिग्री तो जब आप ब्रैकेट क्लोज करोगे आपको एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्स का एक्स प्लस जे वाई लिखेंगे सिंस ये लीडिंग सर्किट है लीडिंग में प्लस रहता है प्लस रहता है फोर्टी टू पॉइंट फोर टू सिक्स प्लस जीरो वाई नॉट वाई जीरो, जीरो जे ओके क्योंकि वाई का वैल्यू वा ही जीरो है देन कमिंग टू इसका इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे आ जाएगा दोस्तों सेम रेक्टेंगुलर फॉर्म में जहां पे आपने यहां पुट किया है ना वही फिर से रेक्टेंगुलर को फॉर्म में ट्वेंटी एट पॉइंट टू एट पुट करो कॉमा लगा दो एंड सिक्सटी डिग्री पुट करो तो आपको आंसर आ जाएगा फोर्टीन पॉइंट वन फोर एक्स का वैल्यू प्लस ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर नाइन जी ये हो जाएगा आपका वाई का वैल्यू तो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म भी मिल गया आपको आपका पोलर फॉर्म भी मिल चुका है राइट दोस्तों सो दिस द फर्स्ट स्टेप जो आपको प्रोसीड करना है एंड इसको कैसे करना है जो भी आपको गिवन डेटा दियान करो फिर उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप किसी कीमत में मिस आउट नहीं करोगे दोस्तों कंपेयरिंग वाला परफेक्ट ठीक है सो नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप दोस्तों पार्ट में न्यूमेरिकल का क्या बोला गया था आपको निकालना है एडिशन और एप्ट्रैक्शन आपको क्या निकालना था सम ऑफ वोल्टेज एंड इट्स डिफरेंस राइट तो यहाँ पे जो दोनों वोल्टेज है जिनका हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म मिला उसका हम सबसे पहले सम निकाल लेते हैं सम ऑफ V1 वन प्लस बी दोनों बार में लेंगे वोल्टेजेस ठीक है दोस्तों ये आपको क्लियर हो, clear हो. देन टोटल वोल्टेज कैसे मिल जाएगा दोनों का सम ये दोनों को ऐड करेंगे फोर्टी टू पॉइंट फोर टू सिक्स प्लस जीरो जे एडिंग विद फोर्टीन पॉइंट वन फोर प्लस ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर नाइन जे तो जब, आपको इसको ऐड किस तरह करना है दोस्तों जो एक्स वाला पार्ट है वो एक्स वाले पार्ट के साथ ऐड होगा जो वाई वाला पार्ट है वो वाई वाले पार्ट के साथ ऐड होगा तो यहां पे जब आप ये दोनों को ऐड कर दोगे कितना आता है 42.426 टू प्लस फोर्टीन ये आ जाते कुछ 56.56 एंड जे वाला पार्ट कितना आएगा दोस्तों जीरो प्लस ट्वेंटी जे ये तो आपका हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में सम सम को हम लोग कैपिटल वी एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका सम वाला पार्ट तो पार्ट तो हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में अब इसका पोलर फॉर्म में कैसे आ जाएगा दोस्तों वी है सिंपल है इसको पोलर फॉर्म में चाहिए तो आप अब प्लस के ऊपर देखो पी लिखा है तो शिफ्ट प्रेस करिए पीओ को एक्टिवेट कर दो देन यहाँ पे फाइव सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स फिर कॉमा लगा दो देन ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर नाइन ब्रैकेट वन तो इक्वल टू दबाओगे तो अब आपको आर मिल जाएगा आपका दैट इज आर यानी कि आपका ये वाला वैल्यू वोल्टेज का वैल्यू रहेगा सिक्सटी एंड एंगल में देखो थीटा में आपको एंगल कितना आ रहा है ट्वेंटी ठीक है दोस्तों तो ये आपको आगे साम अब अब इससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये तो आपका आई का वैल्यू है ठीक है ये तो आपका वी का वैल्यू है तो वी के वैल्यू से बी कैसे निकालेंगे बी आ जाएगा वी इंटू रूट टू दैट इज सिक्सटी वन पॉइंट सिक्स थ्री इंटू रूट टू दैट इज कितना आ जाता है दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो रूट टू से तो ये आ जाता है कुछ एट्टी सेवन पॉइंट वन फाइव सेवन तो इसका अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे आ जाएगा वीएम साइन थीटा प्लस फाइव वीएम कितना आ गया आपका एट्टी सेवन पॉइंट वन फाइव सेवन एक बार चेक कर लो सेम आंसर आ रहा है हाँ अगर इनके से फाइव सेवन की जगह सिक्स सेवन आ रहा है वन सेवन आ रहा है चलेगा कोई इशू नहीं है पॉइंट के बाद प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो टेन का टॉलरेंस चलता है दोस्तों साइन थीटा तो नहीं पता फाइव पता अपने को फाइव कितना है दोस्तों यहाँ पे अपना एंगल ट्वेंटी आई होप आपको ये क्लियर होगा दोस्तों कि हम ये कैसे निकालते हैं दोनों का एडिशन ये आपका मेन वोल्टेज आ जाएगा या आपका वी वन वी टू का एडिशन है ठीक है तो अगर मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगी इसका फेजर बनाऊंगी तो इसका फेजर कैसे आने वाला है दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से आएगा सबसे पहले आपका ये एक्स बाय एक्सिस आपका ये एक्स एक्सिस ठीक है आपका वी वन कितना था वी वन आपका जो वी वन था दैट वॉज एंगल जीरो पे फोर्टी टू पॉइंट फोर टू सिक्स ठीक है लेकिन यहाँ पे आप जब वी वन वी टू भी प्लॉट करोगे आपको यहाँ क्या क्या प्लॉट करना है आपको यहाँ प्लॉट करना है वी वन वी टू एंड वी लेकिन ये तीनों की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए ये तीनों की मीन मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए ठीक है तो वी वन का मैक्सिमम वैल्यू कितना था दोस्तों चलो एक बार चेकआउट कर लेते हैं तो ये वीएम की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएंगी किधर से इनके ये पोलर फॉर्म से राइट ये यहाँ पे पहले वाले का पोलर फॉर्म इस तरह है दूसरे वाले का पोलर फॉर्म कैसे कितना आया था दोस्तों तो तो हम लोग को ये रिप्रेजेंट कैसे करना है अब 28 का तो स्केल नहीं बनेगा राइट तो हम लोग क्या कर लेंगे स्केल लिख देंगे कि चलो अगर मैं वन सेंटीमीटर बना रही हूँ उसका मतलब होता है दस वोल्ट तो मेरा विवन कितना जा रहा है दोस्तों फोर्टी टू समी टू पॉइंट कर लेते हैं फोर्टी टू पॉइंट फोर टू सिक्स अगर मैं टेन के स्केल पे लूंगी तो ग्राफ पे ये हो जाएगा फोर्टी टू फोर पॉइंट टू फोर सिमिलरली बी टू कितना जा रहा है दोस्तों बी टू जा रहा है अपना ट्वेंटी एट पॉइंट टू एट तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टू पॉइंट एट अब यहाँ पे ये अपना वी कितना जा रहा है रिजल्टेंट ऑफ वी सिक्सटी वन पॉइंट सिक्स तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सिक्स पॉइंट वन ओके okay, दोस्तों तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा तो लेट इज सॉल्व डूइंग दैट डायग्राम का पार्ट तो 4.24 की लाइन जीरो पे होनी चाहिए क्यों क्योंकि ये इसका एंगल जीरो था तो ये जीरो पे एंगल रहेगा राइट देन 2.8 की 2.8 का एंगल कितना होना चाहिए दोस्तों क्योंकि जो हमारा v2 का वैल्यू था वो कितना आगे था 60 डिग्री पे था राइट तो ये सिक्सटी डिग्री पे हमारा V2 रहना चाहिए तो हमारा ये V कहाँ रहना चाहिए तो हमारा V रहना चाहिए V यानी कि हमारा जो ऐड करके आया है हमारा जो वी एस जो हमें ऐड करके मिला है वो कितने एंगल पर है दोस्तों ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर वन मतलब यहाँ कहीं बीच में आएगा और वो सिक्स सेंटीमीटर तक जाएगा ना ये फोर है ये फोर पॉइंट टू फोर है ये टू पॉइंट एट है तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म बन चुका है यहाँ पे बस एंगल लिख दो ये कितना है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर वन ये कितना है सिक्सटी डिग्री तो ये रहा एडिशन का रिजल्ट आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम एड कैसे करके निकालते हैं सिमिलरली आप सब भी कर सकते हो यहाँ पे वैसे आप डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो देखो है दोस्तों एक बार आपने रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म निकाल लिया ना बस वहां पे आप ऐड भी कर सकते हो अब डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं वाई तो वाले टर्म्स टर्म भी सब्रैक्ट होंगे माइनस फोर्टी नाइन जे ठीक है अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो एक्स वाला एक्स के साथ सब्ट्रैक्ट कर दोस्तों जिसके साथ वाई y y वाले को वाई के सब साथ सब, कर दो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट जी आपको यह आंसर आ जाएगा डिफरेंस निकालने के बाद जब आप एक्स को एक्स के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो के, y को y के साथ अब आपको क्या करना है दोस्तों ये जो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिला है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो है ना डिफरेंस है तो हम इसको बी लिख लेंगे तो रेक्टेंगुलर से पोलर जाने के लिए आप पोलर को एक्टिवेट करो शिफ्ट पॉल वो दोनों वर्ड्स को लिख दो ट्वेंटी नाइन कॉमा ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर नाइन इक्वल टू तो आपको मिल जाएगा ये थर्टी पॉइंट फोर वन और एंगल कितना आ रहा है दोस्तों ये फोर्टी ठीक है तो ये हो गया आपका पोलर फॉर्म ऑफ प्योर डिफरेंस जो आपको डिफरेंस आएगा वी वन माइनस वी टू करके और एक चीज याद रखना दोस्तों आपको अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो आपका एंगल भी रहे नेगेटिव रहेगा क्यों नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये कौन सा सर्किट हो जा रहा है अपना लैगिंग सर्किट राइट एंड इसी के हेल्प से अभी आप निकाल सकते हो आपका वी वी तो वी कैसे आ जाएगा वी एम साइन थी प्लस माइनस फाइव यहाँ पे माइनस यूज करना है तो वी एम कैसे मिलेगा दोस्तों ये जो आपका वैल्यू है इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट टू के साथ तो रूट टू के साथ मल्टीप्लाई कर दो थर्टी सेवन पॉइंट फोर वन सेवन मल्टीप्लाइड बाई रूट टू ये हो जाता है फिफ्टी टू पॉइंट नाइन साइन थीटा माइनस फोर्टी पॉइंट एट एट ये हो गया आपका इक्वेशन तो आपको ये तीनों चीजें निकालने की हमेशा क्वेश्चन में आ सकता है ठीक है ये तीनों निकालने के बाद आप क्या करोगे फिर इसका फेजर डायग्राम बना दोगे आई होप आप सब फेजर डायग्राम बनाओगे फेजर डायग्राम बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपको इसका आंसर आ रहा है राइट तो ये कैसे जाएगा आपका फाइव एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस पे जो आपका वी वन है जो आपका वी वन है दोस्तों वो कैसे लेना है आपको जीरो डिग्री पे मतलब फोर्टी टू पॉइंट मतलब ये सेम स्केलिंग तो सेम रहने वाली है यहां पे स्केलिंग सेम रहेगी बस यहाँ पे विडी में फर्क आ जाएगा विडी में यहाँ पे डी कितना है अपना थर्टी सेवन पॉइंट फोर वन सेवन यहाँ पे आपको थ्री पॉइंट सेवन लेना होगा बस तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना वी वन ये कितने एंगल पर है दोस्तों कितने वैल्यू है इसकी फोर पॉइंट टू इसकी वैल्यू है ठीक है जो आपका वी टू है वो कितना है दोस्तों सेम इसका वी की तरह सिक्सटी डिग्री पे एंड वी का वैल्यू कितना है टू आपका वीडी कहा जाएगा दोस्तों नीचे की तरफ जाएगा एंड एंगल कितना रहेगा उसका 40.88 तो नीचे की तरफ जाएगा आपका वीडी एंड एंगल रहेगा 40.88 तो यहां पे ऐसा रेक्टेंगल शेप बन नहीं रहा लेकिन अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये रेक्टेंगल शेप बना देगा आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ करना है ही नहीं सबसे पहले हमने क्या किया जो भी हमें क्वेश्चन दिया था उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया कंपेयर करने के बाद रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली ये दोनों चीजें कैलकुलेट करने के बाद हमने सम निकाला एंड डिफरेंस निकाला सम निकालते वक्त एक्स वाला पार्ट एक्स के साथ ऐड होगा डिफरेंस निकालते वक्त एक्स वाला पार्ट एक्स के साथ सब्ट्रैक्ट होगा देन हमने क्या निकाला दोस्तों हमारा इक्वेशन निकाला इक्वेशन निकालने के बाद फेजर डायग्राम तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें आपको काफी ज्यादा ट्विस्टेड प्रॉब्लम्स रह सकते हैं बट हम यहाँ सॉल्व करेंगे बट दोस्तों आपके प्यार की बहुत जरूरत है आप जितना ज्यादा कॉमेंट करेंगे जितना ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में